नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 20 सितंबर 2023 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के प्याज के क्या कुछ रेट है। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मण के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का मण का रेट चलता है। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, कहाँ कहाँ के प्याज है, क्या कुछ रेट चला जी इसका। जी श्रीकांत भाई साहब से। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी मिश्रा जी, आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ी है जी? आज ताजी अराइवल है, 38-39 गाड़ी ताजी है। अच्छा जी। और 5 गाड़ी कुल कल की खड़ी है, वो भी सब आधी थी। अच्छा जी, मतलब समझो कल की बैलेंस समझो करीब 20 गाड़ी नीचे है और 2-3 गाड़ी का माल कल का है। हाँ जी, ताजी गाड़ी है 38, लगभग कुल मिला के नीचे ऊपर मिला के 60-61 गाड़ी माल है। ये तो फिर जो देखा जाए बिक्री खुल जाए एक दिन का भी बहुत नहीं है जी। हाँ जी हाँ जी, जो बिक्री खुल जाए तो एक दिन में भी। देखो जी ऐसा है कि अब एकदम से 2 दिन से एकदम मार्केट बढ़ी है ना। हाँ जी, एक्चुअल तो कल से मार्केट बढ़ी है, परसों तक तो नॉर्मल ही थी। हाँ जी, कल सीधा 100 रुपए का कल उछाल था, 2.5 रुपए किलो। हाँ 2.5 रुपए किलो, 2-2.5 रुपए कल उछाल था। अच्छा जी। और 2-2.5 रुपए आज है। अच्छा जी। तो जब एकदम से मार्केट 2-2.5 रुपए बढ़ती है तो ग्राहक के बीच भी थोड़ा सा स्लो हो जाती है। अच्छा जी। तो मतलब कल भी वही 40-42 गाड़ी माल बिका था। हाँ जी। आज भी लगभग उतना ही 40 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। अच्छा जी। पर अब वैसे देखा जाए तो अगर ढंकी ग्राहकी निकल जाए तो ये 60 गाड़ी तो एक दिन का भी बहुत जननी है जी। हाँ जी। अच्छा जी, कहाँ कहाँ की गाड़ी है ये अपने पास? ये देखो जी, ये नासिक की गाड़ी है, चोपड़े की गाड़ी है, और ये वाली जी है, और ये गाड़ी अजमेर है जी। अच्छा जी, और वो परली छोटे वाली वो भी सब अजमेर है जी। अजमेर जी। हाँ जी, जी। अच्छा जी। अच्छा, ये नासिक मेल है जी? हाँ ये नासिक है जी। अच्छा जी, आज एमपी नहीं अपने पास? नहीं, ये एमपी में यही थोड़े कटे बैलेंस रह गए थे, ये हैं एमपी तो कल बिक गई थी, कल वाली की। हाँ ये इसमें 50-60 मेरे ख्याल 70-80 कट्टे हैं बैलेंस है। अच्छा जी, बाकी बिक गया था। अच्छा जी, ताजी गाड़ी नहीं है, ताजी अराइवल है ही कहाँ कितनी? अच्छा जी, एमपी की ताजी अराइवल कुल 5-6 गाड़ी की तो ताजी अराइवल है, 3 गाड़ी पूना है, नासिक सीधी 2 ही गाड़ी की अराइवल है, बाकी 5 गाड़ी है NCCF वाली है। अच्छा जी। हाँ जी, ये जरूर आज जो अराइवल 38 गाड़ी में 19 गाड़ी तो अकेले राजस्थान है। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, ये राजस्थान इन्होंने कहाँ से निकाल लीजिए? इनमें जी राजस्थान तो भी बैलेंस तो चल ही रहा है, आप समझो राजस्थान में इसमें जितनी भी 19 गाड़ी में लगभग 10-12 गाड़ी तो खाली अजमेर है। हाँ जी। कुचामन साइड की तो खाली 7-8 गाड़ी है, 8-9 गाड़ी होंगी, बाकी 10-11 गाड़ी तो यही है अजमेर। तो एमपी वालों का प्याज कहाँ गया, रोक दिया या फिर खराब हो रहा है? जी एमपी का ऐसा है जी, क्योंकि अभी तक सोमवार तक एमपी का यहाँ पलता नहीं बन रहा था ना। हाँ जी। हल्के भारी माल आ रहे थे। हाँ जी। तो हल्के भारी रेट में बिक रहे थे तो उनका पलता नहीं बन रहा था। कल से इंदौर मंडी चालू है और कई मंडियां एमपी की बंद है कल से। अच्छा जी। क्योंकि जैसे नासिक की भी सारी मंडियां बंद है ना, ये आज से नासिक डिस्ट्रिक्ट की सारी मंडी बंद है। कारण? अनिश्चितकाल के लिए उन्होंने हड़ताल किया है व्यापारियों ने। हाँ जी। उनका कहना ये है व्यापारियों का, कई मंडी वालों ने तो लाइसेंस भी मंडी वालों को सरेंडर कर दिया है विरोध स्वरूप। अच्छा जी। उनका कहना ये है कि गवर्नमेंट जैसे अभी जो पहले जो प्रोक्योरमेंट किया था वो गवर्नमेंट ने निकाला, जैसे जैसे जरा सा रेट बढ़ा 40% तो गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। इसके बाद जो पड़ा था मतलब जो माल उनका आ रहा है वो मंडी में मार्केट रेट के हिसाब से उनका तो मकसद ही गवर्नमेंट का तो मकसद ही रेट को डाउन करना था। हाँ जी। तो मार्केट रेट से उन्होंने माल को बेचवाते रहे वो पीछे मार्केट उस हिसाब से। जैसे नई खरीद गवर्नमेंट ने 24 रुपए की चालू किया तो वो 24 वाला माल खरीद के गवर्नमेंट वो तो जो मार्केट रेट रहेगा वो रेट में बेचवाएगी गवर्नमेंट। अभी जैसे आज के 2 दिन पहले तो 18-19 रुपए बिक रही थी। हाँ जी। अब एक बात मुझे बताइए, 18-19 रुपए गवर्नमेंट का माल यहाँ आगे बिक रहा है, वही प्याज 18-19 रुपए 20 रुपए की वहाँ व्यापारी मंडी से खरीद रहा है। तो जिस मंडी में गवर्नमेंट का 18-19 रुपए प्याज बिक रही है उसका 18-19 रुपए वाला माल यहाँ आके वो पड़ेगा जाके 26-27 रुपया। हाँ जी। तो उसका पड़ता कैसे आएगा, उसका फिर नुकसान लगेगा। हाँ जी। तो कैसे खरीद करे वहाँ? तो इसलिए विरोध स्वरूप वहाँ के व्यापारियों ने पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट की मंडियाँ अनिश्चितकाल के लिए उन्होंने बंद कर दिया है। अच्छा जी। कई मंडियाँ ऐसी हैं जहाँ व्यापारियों ने लाइसेंस भी APMC को सरेंडर कर दिया है कि जी
हम इस तरह से हम काम कर ही नहीं सकते। हाँ जी, पहले शुरू में अभी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट किया वो तो ठीक है, अभी फिर लाख टन जैसे गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट करने का वो कर दिया, उधर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई। अब व्यापारी जहाँ उसी जगह पे गवर्नमेंट का माल 24 रुपये खरीद हो रहा है तो उसी जगह पर व्यापारी किस रेट में माल खरीदेगा, कितना भी करेगा 18-20 रुपये का माल खरीदेगा। हाँ जी, 21 रुपये का 22 रुपये का खरीदेगा तो वो 24 वाला माल तो वो तो 18 रुपये बेचवा देंगे, 19 भी बेचवा देंगे, लेकिन वो 18-19-20 रुपये का माल लेके वो मंडियों में 26-27 उनको पड़ता पहुँचता है तो वो कैसे बेचवा पाएंगे। ठीक है जी, तो व्यापार कैसे करेंगे, कितना नुकसान के व्यापारी, ये माल जो व्यापारी 3 साल से कंटिन्यू नुकसान कर रहा है। हाँ जी, तो इसलिए व्यापारियों ने कहा कि भाई अब गवर्नमेंट ही सारा खरीदे, गवर्नमेंट ही बेचे, हम कहाँ तक पैसा घटाएंगे। तो जो अभी माल आ रहे जी सीधे खेतों से ना उनसे गोदामों से आ रहे जी, डायरेक्ट आने लग गए फिर कौन से जी, जैसे मंडियों में माल है पूरे देश की मंडियों में जो अभी माल चल रहे जी, ये स्टॉक वालों के माल आ रहे जिन्होंने स्टॉक कर रखा था, जिन्होंने पहले लेके रखा हुआ है जिनके हाथ में है। हाँ जी, वो माल आ रहे हैं, वो तो माल क्योंकि नहीं वहाँ रखेंगे तो खराब होगा, वो तो नुकसान लगे, उनको नुकसान लगे कुछ भी हो वो तो मंडियों में आगे बिकेगा। ठीक है जी, तो अभी तक तो किसी का पैसा बन नहीं रहा था, अभी कल से जैसे मार्केट थोड़ा टाइट हुई है। हाँ जी, लेकिन ये तो इसलिए टाइट हुई कि जैसे वहाँ नासिक की मंडियाँ बंद हैं अभी अनिश्चित काल के लिए, एमपी की इंदौर मंडी चालू है, बाकी मंडियाँ कई मंडियाँ बंद हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो उसका असर है जी, इसलिए थोड़ा सा अराइवल पे असर रहेगा जी। अच्छा, राजस्थान वाले भी रुके थे क्योंकि पीछे राजस्थान वाले जब पीछे मार्केट तेज हुई थी तो उन्होंने 900 रुपये 950 रुपये 950 रुपये कट्टे की प्याजें खरीद लिया। हाँ जी, उनका मतलब था कि आगे रेट और बढ़ेगा, इस चक्कर में तेल तो अभी तक उनका पैसा भी नहीं पूरा हो रहा था। अच्छा जी, तो अब वो थोड़ा सा मार्केट उनको दिखी है तो फिर उन्होंने लाना चालू किया है। ठीक ठीक ठीक, तो अगर फिर इसके बाद अराइवलें आ जाएंगी, अगर फिर मार्केट कटेगी तो फिर लोग रुकेंगे। मुझे लगता कि अराइवल अभी इतनी आएगी, चलती रही इतने में तो चलती रहेगी जी। देखो जी, इसका कुछ नहीं पता चलता, जैसे एमपी में अभी भी आज भी 90,000 लाख कटे की अराइवल है इंदौर मंडी में बता रहे हैं आज की तारीख में। अब क्योंकि क्या है कि माल तो जो खराब हो रहा है उसको तो किसान निकालेगा, क्योंकि अब सोयाबीन काटने का टाइम आ गया तो उसको सोयाबीन भी अब वो 15-20 दिन वो सोयाबीन में लगा रहेगा। ये 90,000 लाख कट्टा प्याज का जा रहा है, इंटा पत्थर भर के जा रहे जी, ये प्याज ही है भाई साहब, लेकिन और कई मंडियां शाजापुर मंडी है और मंडियां कई मंडियां बंद भी है ना जी, रतलाम वगैरह। अच्छा, वो इंदौर मंडी में आ गए जी फिर, तो इंदौर मंडी में आ रहा है। अच्छा, तो उसमें लेकिन उसमें भी इंदौर मंडी में जितना माल आ रहा है मुश्किल से 10% माल अच्छे, 90% माल हल्के भारी ही है। अच्छा जी, अच्छे माल तो मुश्किल से 10% ही आ रहा है। तो आज के यहाँ क्या बाजार है, आज की मार्केट क्या? आज देखो जी, आज नासिक के माल बिके हैं समझो 22 रुपये से लेके और 25 रुपये तक, 22 से 25 रुपया। अच्छा जी, और जो एक्स्ट्रा सुपर माल है पूना वगैरह के माल आज वैसे एक गाड़ी शायद कोई 1200 रुपये भी बिकी है। हाँ जी, लेकिन वो एक्स्ट्रा सुपर माल था, वो तुम्हारे से कौन लिया, वो उसकी गिनती आप मार्केट रेट में नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन पहले से मार्केट में मतलब ये मान के चलो आप लगभग 3 से 4 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है जी, यानी उठाव कम है पर रेट जो बड़े उठाव चाहे कम है। अब ऐसा है ना कि उठाव इसलिए कम है ना कि ग्राहक सोच के ले जा रहा है कि 2 ही दिन के अंदर 3-4 रुपये 5 रुपये रेट बढ़ गया, कई दिन रुकेंगे, आज नहीं लिया कल तो लेना पड़ेगा, वो तो लेना पड़ेगा, वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन अभी ग्राहक को भी ये लगता है ना कि आगे अभी जो प्याज वो आम मार्केट में परचून में 20-25 रुपये किलो बेच रहा था, अब यहाँ से 20-25 रुपये किलो के लेके जाएगा। ठीक है, आगे उसको एकदम आगे बेचने में दिक्कत आती है ना, कस्टमर लेने में भी तो दिक्कत करता है। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो हम कल 20 रुपये किलो के लेके गए, आपको 30 रुपये बोल रहा है। हाँ जी, तो आगे उनको भी बेचने में दिक्कत आती है ना। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर जी, दुकान का एड्रेस मोबाइल जी, आरजी ट्रेडर्स, दुकान नंबर 991 सब्जी मंडी आजादपुर, फोन नंबर 3738 और मोबाइल नंबर है 98110 1579। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद जी।